नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल लेट्स लर्न जूलॉजी पे। जैसा कि हम आपको पहले से बता चुके हैं, इस चैनल पे लगातार हम आपको प्रोवाइड कराएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की क्लासेस। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो है पेपर सेकेंड पढ़ा रहे थे, और पेपर सेकेंड में हमने फाइलम इचिनोडर्मेटा स्टार्ट कर रखा था, और इसमें हमने कुछ पार्ट पढ़ा भी रखा है। और जैसा कि हमने इसमें पढ़ाया है, जनरल फीचर्स पढ़ा रखे हैं, और जो है मार्फोलॉजी भी हमने पढ़ा रखी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसकी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में हम कुछ थोड़ा जानेंगे कि फिजियोलॉजी में क्या क्या हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए देखते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में देखते हैं सबसे पहले क्या है, इंटेग्मेंट्री सिस्टम होता है। इंटेग्मेंट्री सिस्टम में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, बॉडी वॉल एंड मस्कुलेचर सिस्टम। ठीक है, एक ये होता है, दूसरा एक सिस्टम ये होगा, दूसरा सिस्टम क्या हो गया, इंडो स्केलेटन सिस्टम। कौन सा सिस्टम, इंडो स्केलेटन सिस्टम। ठीक है, आइए तीसरा तीसरा सिस्टम जो आपका है देखते हैं क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। तीसरा सिस्टम क्या है आपका, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, और ये चौथा सिस्टम जो कि आज हम आपको पढ़ाएंगे, चौथा सिस्टम क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये चौथा सिस्टम आपका है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो सिस्टम है कौन सा, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। कौन सा भैया, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पे वीडियो में, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पांचवा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम आपका जो है कौन सा है, रेस्पायरेटरी सिस्टम। ठीक, रेस्पायरेटरी सिस्टम हो जाएगा नेक्स्ट सिक्स नंबर पे। और इसका नेक्स्ट इसके बाद में है क्या, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम नेक्स्ट सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम। उसके बाद देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम हमें किसमें पढ़ने हैं, फिजियोलॉजी ऑफ द स्टार फिश। ठीक है, तो फिजियोलॉजी ऑफ द स्टार फिश में इतने सारे सिस्टम हमें पढ़ने हैं। कौन कौन सा, एक बार फिर से देख लेते हैं, बॉडी वॉल एंड मस्कुलेचर सिस्टम को क्या कहते हैं, इंटेग्मेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, या फिर डायरेक्टली हम बॉडी वॉल या मस्कुलेचर सिस्टम भी क्या बोल सकते हैं इसको। ठीक है, दूसरा क्या है, इंडोस्केलेटन सिस्टम है। तीसरा क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। और चौथा क्या है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम है। और पांचवा क्या है, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। छठा क्या है, रेस्पायरेटरी सिस्टम है। सेवन नंबर पे क्या है, नर्वस सिस्टम है। और एट नंबर पे क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, इतने सारे सिस्टम हमें किसमें पढ़ने हैं भैया, आपको स्टार फिश में। किसमें, स्टार फिश में इतने सारे पढ़ने हैं। इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, उनको हम पहले पढ़ाएंगे। ठीक है, तो उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए फिजियोलॉजी के थ्रू, फिजियोलॉजी में हम इसको आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला जो आज सिस्टम हम पढ़ेंगे कौन सा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम पढ़ेंगे। तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम हम पढ़ेंगे आज यहाँ पे स्टार फिश का। इसका भी पढ़ेंगे स्टार फिश का यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए आपको लिखा हुआ है बोर्ड पे, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ऑफ स्टार फिश। ठीक है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम जो स्टार फिश का है, इसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको क्या कहते हैं, एम्बुलेक्रल सिस्टम। कौन सा सिस्टम आपका, एम्बुलेक्रल सिस्टम। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, एम्बुलेक्रल सिस्टम। तो आपको ये पेपर में अगर आता वाटर वैस्कुलर सिस्टम या फिर एम्बुलेक्रल सिस्टम, दोनों का मतलब क्या होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम की जगह पे क्या आ गया, एम्बुलेक्रल सिस्टम आ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसको यहाँ पे अच्छे से समझ लेंगे कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम को और किस नाम से जानते हैं, एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, देखिए स्क्रीन पे अच्छे से देखिए दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है, तो वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सीलोम। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द वाटर वैस्कुलर सिस्टम इन स्टार फिश इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सीलोम। क्या मतलब हुआ, आइए हम बता देते हैं हिंदी में भी। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है कहां से बना हुआ है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है, या कहां से बना हुआ कह सकते हैं, सीलोम से। सीलोम क्या होता है, हम पहले भी शायद बता चुके हैं, सीलोम एक खाली गुहा होती है जो एनिमल में पाई जाती है। ठीक है, तो जो इसका वाटर वैस्कुलर सिस्टम है किसका, स्टार फिश का, इसका फॉर्मेशन कहां से हुआ है, सीलोम से हुआ। तो याद रखिएगा ये पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द वाटर वैस्कुलर सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द, डैश लिख देंगे, स्टार फिश, तीन चार ऑप्शन दे देंगे क्या होगा, तो वहां पे ऑप्शन दे रखा होगा क्या, सीलोम। तो आपको याद रखना है कि जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम
इसका स्टारफिश का कहाँ से ओरिजिनेट होता है? सीलोम से। ठीक है, याद रखिएगा कि सीलोम से क्या बनता है, किसका वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनता है? स्टारफिश का। तो ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इस पे हम फोकस ज्यादा कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इट्स ओरिजिनल फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय, सॉरी, इट ओरिजिनल फंक्शन इज प्रोबेबली कंसर्न्ड विथ ऑब्टेनिंग फूड। देखिए क्या मतलब हुआ, बताया गया है ये यहाँ पे कि इसका जो ओरिजिनल फंक्शन है किसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, उसका क्या है आपका, ऑब्टेनिंग फूड। ऑब्टेनिंग फूड का क्या मतलब होता है यहाँ पे? तो ऑब्टेनिंग फूड का मतलब ये होता है कि कोई भी एनिमल को फूड किस माध्यम से प्राप्त करता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टार फिश है, इसका जो फूड किसके थ्रू मिलता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू मिलता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो है इसका जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है, इसके द्वारा क्या मिलता है, स्टार फिश को फूड मिलता है। इसीलिए इसको लिखा गया है नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इट्स ओरिजिनल फंक्शन इज प्रोबेबली कंसर्न विथ ऑब्टेनिंग फूड। मतलब इसका मेन काम जो है किसका, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का, क्या है, फूड को प्रोवाइड कराना, इसको, स्टार फिश को। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम। एम्बुलेक्ट्रल से यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। ठीक है, एम्बुलेक्ट्रल हमने तुमको पहले ही बता रखा है क्या होता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखते हैं, द एसेंशियल पार्ट ऑफ एम्बुलेक्ट्रल सिस्टम आर मैड्रिपोराइट, स्टोन कैनाल, रिंग कैनाल, रेडियल कैनाल्स, टाइड वेंस बॉडीज, लेटरल कैनाल्स एंड ट्यूब फिल। दैट मीन्स दीज पार्ट आर इंक्लूडेड इन द एम्बुलेक्रल सिस्टम ऑफ द स्टार फिश। क्लियर, मतलब ये कि जो एम्बुलेक्रल सिस्टम किसका, स्टार फिश का, उसमें कौन कौन से पार्ट पार्टिसिपेट करेंगे, या फिर ये पार्ट आपको वहां पे देखने को मिलेंगे किसमें, स्टार फिश के वाटर वेस्कुलर सिस्टम में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, देखिए लिखा हुआ है मैड्रीपोराइट। ठीक, दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ठीक, आगे आइए यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्या है, स्टोन कैनाल हो गया, स्टोन कैनाल के बाद क्या है, रिंग कैनाल हो गई, रिंग कैनाल के बाद क्या है, देखिए नेक्स्ट जो लिखा हुआ है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, रेडियल कैनाल्स हो गई। ठीक है, रेडियल कैनाल के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एक और पूछा जाता है यहाँ पे, टाइड मैन्स बॉडीज। ठीक, क्वेश्चन आएगा टाइड मैन्स बॉडी फाउंड इन द, क्या होगा आगे, स्टार फिश, या फिर बहुत सारे नाम दे रखे होंगे तो आपको याद रखना है टाइड मैन्स बॉडी कहाँ पे पाई जाती है, स्टार फिश के, कहाँ पे, वाटर वेस्कुलर सिस्टम का ये पार्ट है। ठीक है, याद रखना है। अगला देखिए लिखा हुआ है लेटरल कैनाल्स। लेटरल कैनाल्स भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो इसको याद रखना। और दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ट्यूब फिट क्या करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है, और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, तो हमें लगता है कि नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इस नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जितने सारे पार्ट इसमें पाए जाते हैं उन पार्ट के बारे में हम यहाँ पे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, डिटेल से पढ़ने में सबसे पहले हम आपको यहाँ पे क्या बता रहे हैं, मैड्रीपोराइट, पहला पार्ट क्या है, मैड्रीपोराइट। मैड्रीपोराइट के बारे में हम जानेंगे, इसका वर्क क्या होता है और इसकी लोकेशन कहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है, इट इज थिक हार्ड राउंडेड एंड कैल्केरियस प्लेट ऑन द एबोरल सरफेस ऑफ सेंट्रल डिस्क ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्या मतलब हुआ, फिर से एक बार देख लेंगे, इट इज थिक हार्ड राउंडेड एंड कैल्केरियस प्लेट ऑन द एबोरल सरफेस ऑफ द सेंट्रल डिस्क ऑफ द बॉडी। मतलब ये कि ये क्या है, एक थिक है टैडमेंट बॉडी, सॉरी मेटिपोराइट की बात कर रहे हैं, तो मेटिपोराइट कैसी है, थिक है, और क्या है, हार्ड है, कठोर है, राउंडेड मतलब गोल सी है। ठीक है, तो आपको जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम देखेंगे तो वहां पे मैड्रीपोराइट को देखेंगे तो वो आपको ऐसे देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कैसी होगी, थिक होगी, हार्ड होगी, राउंडेड होगी, और कैल्केरियस। कैल्केरियस का क्या मतलब होता है, कैल्केरियस का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होगी। ठीक, इसलिए इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है क्या, कैल्केरियस। ठीक है, कैल्केरियस क्या है, कैल्केरियस प्लेट है। ये प्लेट कहाँ पे पाई जाती है, ऑन द एबोरल सरफेस ऑफ सेंट्रल डिस्क ऑफ द बॉडी। ठीक
इसकी बॉडी यहाँ पे स्टार फिश की बात चल रही, तो स्टार फिश की बॉडी होगी ठीक है। तो जो इसकी एबोरल सरफेस पे ये पाया जाता है क्या, मैड्रिपोराइट ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा सभी को, आगे देखते हैं। द मैड्रिपोराइट हैज लार्ज नंबर ऑफ पोर्स, मतलब क्या हुआ, जो मैड्रिपोराइट है यहाँ पे बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं ठीक है। किसमें, मैड्रिपोराइट विच ओपन इन टू पोर कैनाल्स, क्या मतलब हुआ इसका, जो कि कहाँ पे ओपन होते हैं, पोर कैनाल्स में, कहाँ पे भैया, पोर कैनाल्स में ठीक है। तो आगे याद रखना, द पोर कैनाल्स, आगे नया पॉइंट है ये, द पोर कैनाल्स आर मर्ज इनटू द कलेक्टिंग कैनाल्स, और ये पोर कैनाल्स कहाँ पे ओपन होती हैं, कलेक्टिंग कैनाल्स में। अभी हम डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ा सा बता देंगे यहाँ पे कैसा है ये ठीक। आगे लिखा हुआ कलेक्टिंग कैनाल्स मेक एस शेप स्टोन कैनाल, क्या मतलब हुआ, जो कलेक्टिंग कैनाल्स होती है वो किस तरह का स्ट्रक्चर बनाती है, यहाँ पे देखिए कैपिटल एस, एस शेप क्या बनाती है, स्टोन कैनाल्स ठीक है। तो क्वेश्चन स्टोन कैनाल्स के ऊपर भी पूछा गया, तो स्टोन कैनाल्स को भी याद रखना है, और कलेक्टिंग कैनाल्स से भी पूछ सकते हैं कि कलेक्टिंग कैनाल्स किस चीज का फॉर्मेशन करती है, तो एस टाइप की क्या बनाती है, स्टोन कैनाल्स बनाती है ठीक है। तो ये मैड्रिपोराइट के बारे में हो गया आपका, तो ये हमें लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका सेकेंड पार्ट भी अभी आएगा, इस पार्ट में ये पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो इसका सेकेंड पार्ट भी आएंगे लेके आपके साथ। और तब तक ये अच्छे से वॉच करिए, शेयर करिए वीडियो को और देखते रहिए ठीक है। थैंक यू।